सलमान खान के लिए जान से मारने की धमकियां नई नहीं है। इससे पहले उनको कई बार देखिए धमकियां मिल चुकी है। सलमान खान को धमकियां 19 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया के जरिए जो है मिली थी, और ऐसे में देखिए 9 मई 2023 को भी गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी भरा ईमेल सलमान खान को आ चुका है। 10 अप्रैल 2023 की अगर बात करें तो सलमान खान को मारने की धमकी 10 अप्रैल 2023 को मिली थी। इसके बाद मार्च 2023 में यानी पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ के नाम पर धमकी मिली थी, जान से मारने की धमकी सलमान खान को दी गई थी। 5 जून 2022 को सलमान और उनके पिता को भी धमकी मिल चुकी है। 10 जून 2023 लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी यहां पर मिल चुकी है। तो ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो धमकियां मिलती रही हैं सलमान खान को। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या माजरा है, सलमान खान से इतनी नाराजगी क्यों है, सलमान को निशाना क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके पीछे भी कुछ थ्योरीज हैं। 14 अप्रैल को सलमान के घर जो फायरिंग हुई उसमें पुलिस ने खुलासा किया था कि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने इंटरनेट कॉल के जरिए पूरी साजिश रची थी। तो ये वही शख्स है जिसके बारे में देखिए फेसबुक पोस्ट में दावा किया गया था कि सलमान खान पर फायरिंग का ट्रेलर दिखाया गया है और ये आखिरी चेतावनी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फेसबुक पोस्ट का ये वो शॉट है जिसमें उसने दाऊद इब्राहिम का जिक्र करते हुए खुद को दाऊद से बड़ा खतरा बताया था, और इसी के जरिए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें शामिल है। सलमान लॉरेंस गैंग की रेंज से बाहर रही ये बताने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश की गई। लॉरेंस गैंग की पहुंच दूर तक है ये भी बताने की कोशिश की। दाऊद से भी बड़ा खतरा बिश्नोई गैंग है ये यहां पर जताने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश, मुंबई में वसूली गैंग स्थापित करने की चाहत, ये अलग अलग जो संदेश देने की कोशिश की गई है। जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का ये जो मामला सामने आया, आखिर इसके क्या मायने निकलते हैं, क्या संदेश निकलता है, ये एक एक करके हमने आपको बताया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, उसका नाम सामने आया, उसका वो पोस्ट सामने आया जो हमने आपको दिखाया, और उसी पोस्ट के जरिए ये माना गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें शामिल रहा होगा। तो मुंबई में अब दाऊद गैंग का नामोनिशान लगभग मिट चुका है। अब वहां अपराध की दुनिया का बड़ा नाम ऐसा नहीं है जो किसी को धमकाकर बड़ी वसूली कर सके, अपने काम करा सके, और ऐसे में हो सकता है कि सलमान खान पर लगातार हमले की कहानी बनाकर उनके घर तक अपनी पहुंच बनाकर लॉरेंस बिश्नोई और उसके जुड़ा गैंग मुंबई के लोगों में ये खौफ पैदा करना चाहता हो कि अब मुंबई का नया दाऊद तैयार हो चुका है। उसकी बातों को हल्के में कोई लेगा भी नहीं, और इसके पीछे कई वजह है। तो दाऊद इब्राहिम की तरह लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में कुख्यात है। डी कंपनी की तरह लॉरेंस गैंग ने देश के कई हिस्सों में अपराध किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है लेकिन गैंग को विदेश से ऑपरेट किया जाता है। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में फैला हुआ है। लॉरेंस गैंग के बड़े गैंगस्टर खुद को विदेश में सुरक्षित महसूस करते हैं। Zee News.